नहीं, ये वर्तमान सरकार सिक्किम में जनता को मिश्रित करके सरकार में आई है। ये पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, ये जुडिशरी मैटर है, तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को देखना चाहिए। व्हाइट पेपर निकालो, एसडीएफ गवर्नमेंट ने कितना बाहर के लोगों को नौकरी दिया। मैंने एसडीएफ सुप्रीमो एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर Pawan Kumar Chamling was marshalled out of Sikkim Assembly after he disrupted Leader of the House Prem Singh Gulai's discussion on Clause 4 and 5 of IT exemption. Chamling demanded point of order, which was denied. Gulai was highlighting the Companies Act passed in 2013, which has not been passed in Sikkim as it stands against Sikkim Companies Act 1961 under Article 371F. नहीं, ये वर्तमान सरकार सिक्किम में जनता को मिश्रित करके सरकार में आई है, और आज सदन में भी जाकर वो सदन को मिश्रित कर रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा जो प्रिविलेज है उसको मैं यूज़ करना चाहा, तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे नहीं दिया गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे मार्शल लगा के बाहर निकाल दिया। इससे प्रमाण होता है कि आज सिक्किम में ही नहीं, सिक्किम के विधानसभा में भी डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, इसका प्रमाण हुआ। इसको मैं खंडन करता हूं। सर, जो रेजोल्यूशन पास होना था आज क्लॉज 4 और 5 को लेकर, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर, सर उस पर आपकी सहमति है या नहीं, और ये कैसे हो सकता है बिना आपके रेजोल्यूशन? नहीं, ये जो रेजोल्यूशन लिया है 9 फरवरी में भी इसी विषय में रेजोल्यूशन लिया था, उसका आज अब तो पता नहीं कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजी गई या नहीं पता नहीं, उसके ऊपर कोई भी आज तक एक्शन नहीं हुआ है, मैंने नहीं सुना। उसी तरह से फिर ये दूसरा रेजोल्यूशन ये आज पास करने के लिए लेकर आए, सरकार लेकर आई है, वो भी जनता को गुमराह करने के लिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं, क्योंकि ये असेंबली का विषय नहीं है, ये पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, ये जुडिशरी मैटर है, तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को देखना चाहिए। सर, सरकार ये भी, मतलब जो लीडर ऑफ द हाउस थे वो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि 25 वर्ष के आपके कार्यकाल में कितने बार ये उल्लंघन हुआ है 371F, और कितने बार लोगों को मतलब डोमिसाइल के बगैर एंट्री तक दिया है, गवर्नमेंट जॉब भी दिया है, ये बात को लेकर आप कैसे मतलब रिएक्ट करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री खुद, मुख्यमंत्री वो है, आज ऑपोजिशन से बात करते हैं, क्यों असेंबली में बात कर रहे हैं, उसको बाहर निकालो ना, व्हाइट पेपर निकालो, एसडीएफ गवर्नमेंट ने कितना बाहर के लोगों को नौकरी दिया, मैंने 371F धारा कितना मैंने उल्लंघन किया, और निकालो, वो मुख्यमंत्री है, अभी ऐसा बात करे, वो ऑपोजिशन में मुख्यमंत्री हूँ। After the session, Chief Minister Prem Singh Tamang elaborated on the situation with the SDF Supremo to media. उसी में जो सत्यता था, जो जो रियल बात था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसीलिए उसने कुछ ना कुछ तो करना होगा, उनको नाटक तो करना पड़ेगा, इसीलिए नाटक किया है। और नाटक करने के बाद सिचुएशन को देखते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मार्शल लगा, ये रूल है, क्योंकि मेरे को भी पहले निकाला था, ये तो रूल है, इसमें मेरा कुछ बोलना नहीं, कि तो वो तो हमारा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र का। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.